इमेजिन करो कि रात को आप सोए और आपकी आंखें एक हिल स्टेशन पर खुले, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सोचो। मुझे चाहिए उन खुली वादियों के अंदर एक प्याली गरम गरम चाय। गुड मॉर्निंग, इट्स डे टू इन मसूरी एंड मेरे होटल की बालकनी से व्यू कुछ ऐसा है। अभी सुबह 6 मॉर्निंग के 6 o'clock हो चुके हैं और सन अभी राइज नहीं हुआ है। जो बैक साइड में आपको दिख रहा है ये रोड जो चल रहा है, ये माल रोड है, मसूरी माल रोड, और मैं फिलहाल यहीं पर ही रुका हूँ। मेरा जो प्लान था वो अर्ली मॉर्निंग 5:30 के आसपास होटल से निकलने का था, ताकि मैं 6 o'clock तक लाल टीपा पहुँच जाऊँ, बट वेदर थोड़ा क्लाउडी था मॉर्निंग में, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि लाल टीपा पर मैं सनराइज़ को उतने अच्छे से नहीं देख पाऊँगा। साइड में आप देख रहे हो वो है लाइब्रेरी, बेसिकली ये लाइब्रेरी चौक है, और ये लाइब्रेरी जो है वो सन 1843 के अंदर कंस्ट्रक्ट की गई थी, और फिलहाल ये अभी एक टूरिस्ट प्लेस है। उस साइड अगर आप जाते हैं उस साइड तो मॉल रोड है, नीचे की तरफ आप दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे देहरादून की तरफ, और उस साइड से अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं कैंपटी वाटरफॉल। कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद माल रोड और मॉर्निंग टी लेने के बाद मैं निकल गया लाल टिब्बा के लिए। लाल टिब्बा जो है वो मसूरी माल रोड से करीबन आधे घंटे की दूरी पर है, लेकिन जो उसका जो रास्ता है वो काफ़ी हाइट अप एंड डाउन्स के साथ है। फिलहाल मैं पहुंच गया हूं लाल टिब्बा पर। लाल टिब्बा जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है मसूरी की, तो है वो करीबन 7,500 फीट हाइट पर है सी लेवल से। जिसके मेरे साथ आलम है जो कि यहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं, और ये लाल टिब्बा के बारे में अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। बताएं सर, ये जो लाल टिब्बा इसलिए नाम है, सुबह के टाइम में जब सन निकलता है तो पूरा हिमालय ऑरेंज होता है और ये जगह ऑरेंज होता है। शाम के टाइम में सन का लाइट पड़ता है हिमालय में तो हिमालय भी लाल होता है, जगह भी लाल होता है, ऊंचा जगह है, इसलिए इसका नाम है लाल टिब्बा। और यहाँ से जो बर्फ की पहाड़ी है, जमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, नीलकंठ, नंदा देवी, चौखंबा, इनको साथ तिब्बत बॉर्डर वो रेंज है। और अभी का टाइम में तिब्बत बॉर्डर से सन निकलता है, दिन छोटे में बद्रीनाथ से निकलता है। तो पता चला लाल टिब्बा इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो माउंटेंस हैं वो माउंटेंस जब सनराइज़ होता है और सनसेट होता है तो रेड हो जाती हैं,
जिसकी वजह से ऑरेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम लाल टिब्बा है। अभी हम चलते हैं ऊपर और वहाँ से मैं आपको माउंटेन्स दिखाता हूँ। आई डोंट नो कि कैमरा से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट मैं आपको दिखाता हूँ वो जो वाइट वाइट आपको पोर्शन दिख रहा है, मैं अपनी आई से देख पाता हूँ वाइट, बिल्कुल वाइट पहाड़ मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि हिमालय के हैं और काफ़ी हाइट पर दिख रहे हैं मुझे। और यहाँ पर आप टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं बहुत अच्छे से अगर आप देखना चाहते हैं। टिब्बा तक घूमने में बहुत मज़ा आया। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं इसी पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मसूरी की एक और खतरनाक चीज़, द सिस्टर बाजार। ओए होए, ज़बरदस्त, एकदम ठा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलेंगे पार्ट 4 में। टिल देन, बाय बाय।